मियां सुभान साहब के ख्याल किसी भी बात करता हूँ कि हाई कोर्ट बेंच और लॉ न्यूज चैनल के आप क्या सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसके अंदर वकला की जो आवाज़ है या उनके जो मसाइल हैं या जो साइलिन के मसाइल हैं उनको जो है वकला बरादरी के जरिए जो है वो लोगों तक और आला कौम तक और जुडिशरी तक जो है इसको पहुंचाने के लिए जो इनिशिएटिव लिया गया है ये खुश आइन है कि जिसके जरिए जो है वो मसाइल जो है वो ऊपर तक जो है वो पहुँच सके। हाईकोर्ट के बेंच के हवाले से कानून का एक मंशा है कि जो इंसाफ है वो साइल की दहलीज के ऊपर पहुंचना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक बड़ी बदकिस्मती की बात है कि साइल जो है उसके लिए जो इंसाफ है उसको जो है वो नापैद कर दिया गया है। अगर कोई भी लोअर कोर्ट्स हैं उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई फैसला है, उसके ऊपर किसी भी पार्टी को कोई इतराज है या कोई अग्रीव्ड पर्सन है, उसका राइट है कि वो अपील के लिए या अपने इंसाफ के लिए जो है वो आला अदालतों के साथ जो है वो रजू करे। लेकिन इसके अंदर ना हो दूर होने की वजह से और एक उसकी दहलीज या उसके शहर तक जो है मुतलका अदालत के ना होने की वजह से वो उसके लिए इतना पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि वो एक दूसरे शहर के अंदर जाकर या उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस जो है वो उसके लिए अफोर्डेबल नहीं होते हैं। तो एक इंसाफ को जो है वो एक इंतहाई महंगा कर दिया गया है। तो ये एक जो एक अलीट तबका है उसके लिए तो हम कह सकते हैं कि एक इंसाफ जो है उसकी दहलीज के ऊपर मौजूद है, बेशक वहां पर दूर उसको क्यों नहीं जाना पड़ रहा, लेकिन एक गरीब जो बंदा अगर जो इंसाफ के लिए आता है उसके लिए इसको नापैद कर दिया गया है। अब इतना पॉसिबिलिटी नहीं होती एक आदमी के लिए या गरीब पर्सन के लिए, वो किसी हद तक जो है मुश्किल से एक वकील को तो कर लेता है या कोई वकील है वो एक गरीब को देखते हुए अपनी फीस तोड़ के एक फ्री में भी उसका केस जो है वो हैंडल करने के लिए उसको कंटेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसके पास एक्सपेंसिव जो ट्रेवलिंग के है उसके लिए इतने उसके चार्जेस नहीं होते कि वो इस आला अदालतों तक जो है वो रिज्यू कर सके। तो मेरे ख्याल से एक ये किसी एक पर्सन की कॉज नहीं है, ये हर उस बंदे की हर एक साइलिन की एक कॉज है जिसके लिए इसके ऊपर जितने भी आला काम है चाहे जितने भी पॉलिटिकल पर्सन हैं वो इस चीज के ऊपर एडमिट करके गए हैं कि इसके लिए हाई कोर्ट का जो बेंच है वो फैसलाबाद में और दीगर जो शहर हैं जहां पर होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि इसके हवाले से सिंसियरली तौर पर किसी भी पर्सन की तरफ से कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया गया है। सो मेरे ख्याल से ये एक इंसाफ का तकाजा है और के जो भी साइलिन है जो अग्रीव्ड पर्सन है उसके इंसाफ जो है वो उसके दरवाजे के ऊपर होना चाहिए और इसके लिए जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि दूर जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं है जाने के लिए वहां पर उनकी दहलीज उनके शहर के अंदर हाईकोर्ट के बेंच है उनके क्याम को यकीनी बनाना चाहिए। मैं अभी अपने वकला भाई के साथ बड़ा सर के साथ यही बात हुई है कि लेकिन आज हमारी जो हाईकोर्ट बेंच है हाईकोर्ट बेंच हमारा फैसलाबाद का तीसरा शहर आता है, लेकिन मैं इसी बात पे ही वकला की हर पीछे से मैंने जिससे वकला से मेरी बात हुई है किससे हुई है यही हुई है कि अभी हमारे हाई कोर्ट का जो बेंच है ये फैसलाबाद में आना चाहिए, यही इनकी कम्युनिटी है और यही चीज है कि जो गरीब लोग हैं जहां से लाहौर जाते हैं ज्यादा से ज्यादा हमारे फैसलाबाद से जाते हैं और इसके लिए हम बाला से कहते हैं वजीर आजम से कहते हैं कि ये आवाज हम इंशाल्लाह उनसे बचाएंगे और ये हाईकोर्ट बेंच जो फैसलाबाद में जरूर से जरूर लाया जाएगा। लाल मोहम्मद।